हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टेक के एक नए वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ज़ीरोधा के अंदर हम सभी लोग फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, फ्यूचर्स में ट्रेड करना बहुत ही ईजी है। मैं आपको सारा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोग जब ट्रेड करने जाओ तो आपके मन में कोई डाउट दुविधा ना रहे। यहाँ पे देखिए, मैंने ज़ीरोधा के अंदर लॉगिन कर लिया है। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखिए, आप इंडेक्स के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, इन सभी के अंदर फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप सभी स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब कि अगर हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE BSE के अंदर मान लीजिए 7,000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, तो उन 7,000 स्टॉक के अंदर आप फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर सकते। कुछ चुनिंदा यहाँ पे शेयर्स ही हैं जिनके अंदर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इंडेक्स के अंदर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप लोगों को किसी इंडेक्स के अंदर यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड करना है, मान लीजिए बैंक निफ्टी। तो आप क्या करेंगे, सर्च बार में आप लोग लिखेंगे सिर्फ बैंक निफ्टी, और जैसे ही आप सभी लोग बैंक निफ्टी लिखेंगे यहाँ पे आप लोगों को देखिए 3 मंथ का यहाँ पे फ्यूचर दिखाई देता है। पहले मैं आप लोगों को इंडेक्स का यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे मैंने बैंक निफ्टी यहाँ पे सर्च किया तो देखिए यहाँ पे 3 मंथ के हमको यहाँ पे फ्यूचर्स दिखाई दे रहे हैं। एक अक्टूबर का, क्योंकि अभी जो महीना चल रहा है वो अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो एक हमारा फ्यूचर हो जाता है जिस महीने में हम ट्रेड कर रहे हैं उस महीने का फ्यूचर, इसके बाद उसके अगले महीने का और उसके बाद वाले महीने का, यानी कि 3 मंथ का हमको यहाँ पे फ्यूचर देखने को मिलता है। चाहे हम किसी इंडेक्स के अंदर ट्रेड करें, चाहे हम किसी स्टॉक के अंदर फ्यूचर में हम ट्रेड करें। इसी तरह अगर हम निफ्टी को सर्च करें यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाऊंगा निफ्टी में भी आप देखोगे तो 3 मंथ के आप लोगों को यहाँ पे फ्यूचर दिखाई देंगे। एक आप लोगों को करेंट मंथ यानी अक्टूबर का अभी चल रहा है, तो अक्टूबर का फ्यूचर, इसके बाद नवंबर, फिर दिसंबर, तो 3 मंथ्स के आप लोगों को यहाँ पे फ्यूचर दिखाई देंगे। अगर मैं इसी तरह से रिलायंस के शेयर की बात करूँ, क्योंकि रिलायंस के अंदर आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, तो रिलायंस में भी देखिए आप लोगों को 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट ही दिखाई देंगे। इसीलिए दिमाग में कभी भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। एक आप लोगों को करेंट मंथ का फ्यूचर दिखाई देगा, एक आप लोगों को अगले मंथ का, एक आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ का। ठीक है, तो इस तरह से 3 मंथ के फ्यूचर आपको दिखाई देते हैं। अब जैसे हमको निफ्टी के अंदर अक्टूबर के फ्यूचर में ट्रेड लेना है तो हम कैसे लेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया निफ्टी, एंड निफ्टी सर्च करते हैं यहाँ पे देखिए नीचे जाएंगे हम तो हम लोगों को फ्यूचर्स दिखाई देंगे, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट एंड FO के कॉन्ट्रैक्ट यानी कि हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। अक्टूबर का फ्यूचर देखिए यहाँ पे है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अक्टूबर के फ्यूचर पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे बाई एंड सेल दोनों करने का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हम इस फ्यूचर को शॉर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे इस फ्यूचर को हम यहाँ पे लॉन्ग भी कर सकते हैं। लॉन्ग करना है तो बाई करेंगे, अगर हमें शॉर्ट करना है तो सेल करेंगे। क्योंकि देखिए ये अक्टूबर का फ्यूचर है, इसलिए ये अक्टूबर में इसकी एक्सपायरी आएगी। एक ऐसा नहीं है कि 30 अक्टूबर को ही आने वाली है या फिर 31 अक्टूबर को आने वाली है, उसके पहले भी एक्सपायरी आती है। यहाँ पे आप लोगों को बकायदा यहाँ पे डेट्स मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपको लॉन्ग करना है तो आप बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कि अभी जो है फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोटल 25 क्वांटिटी है। ठीक है, आप निफ्टी के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हो तो 25 क्वांटिटी यहाँ पे रहती है। बैंक निफ्टी और किसी आप शेयर के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वांटिटी आपने डाल दिया, इसके बाद प्राइस डालने का ऑप्शन आता है। आप प्राइस में देखिए जो भी है यहाँ पे प्राइस, अगर आप मार्केट पे ही खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसको मार्केट बना देंगे तो हमारा क्या होगा, ये मार्केट पे ही बाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, एंड इस प्राइस को हम यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद आप लोग नीचे देख पाओगे 25 क्वांटिटी है यहाँ पे, तो आप इसको चाहो तो ओवरनाइट के लिए खरीद सकते हो यानी ट्रेड कर सकते हो, पूरे एक्सपायरी तक इसको अपने पास रख सकते हो, या फिर इंट्राडे पे क्लिक करके आज के दिन ही सिर्फ इसको ट्रेड करोगे। आज के दिन ही ये ऊपर गया या नीचे गया जैसे हिसाब से आपने ट्रेड लिया है आप लोगों को एग्जिट करना पड़ेगा। बस क्या है देखिए यहाँ पे मार्जिन की कितनी रिक्वायरमेंट है, टोटल मार्जिन आपको यहाँ पे करना पड़ता है। चार्जेस की बात करें तो चार्जेस पे क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों का टोटल ब्रोकरेज 20 रुपीज़ लगा है, एंड अदर अदर यहाँ पे एक्सचेंजेस के चार्जेस और गवर्नमेंट के चार्जेस मिला करके आप लोगों को 53 रुपये यहाँ पे करीबन, माफ करिएगा 50 रुपये करीबन यहाँ पे आपको देना है। बस स्वाइप टू बाई करना है, और अगर आपने मार्केट पे बाई किया है तो ये तुरंत बाई हो जाएगा। लिमिट लगा के बाई किया है तो प्राइस पे आते ही आपके निर्धारित प्राइस पे ये बाई हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें, आपने इंट्राडे के लिए ट्रेड लिया है तो आज के दिन ही आपको सेल करना पड़ेगा, ओवरनाइट के लिए लिया है तो आप एक्सपायरी तक इसको होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी स्टॉक के अंदर भी फ्यूचर के अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं, बहुत ही ईजी है फ्यूचर के अंदर ट्रेड लेना। तो
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।